नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। स्टेशन और ट्रेन से यात्रियों के साथ छिनतई करने वाले गिरोह के 5 सदस्य को एनजीपी, जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर किया गिरफ्तार। आज पांचों आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर मामले की जाँच में जुटी एनजीपी जीआरपी। सिलीगुड़ी में समाज सेवी बंकिम सिंह पर जानलेवा हमले के एक महीने बाद आरोपी वकील उड़ीसा से गिरफ्तार। आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी में लाखों रुपए के गांजे के साथ दिनहाटा का एक युवक गिरफ्तार। 140 किलो गांजा बरामद। मदारीहाट इलाके में हाथियों के हमले से एक युवक की मौत। युवक की मौत पर इलाका वासियों ने प्रकट किया क्षोभ। गेट बाजार यूथ क्लब की ओर से निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं पौधे दिए गए। राजगंज में सड़क पक्की होने के बावजूद पुलिया नहीं होने से राजगंज ब्लॉक के कई गांवों के लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। सिलीगुड़ी में मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से माचीगढ़ा सत्संग भवन में 29वां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। फुलबाड़ी में साइकिल पार्ट से भरे ट्रक की आड़ में प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी का किया जा रहा था प्रयास। 10,000 बोतल कप सिरप के साथ दो गिरफ्तार। फालाकाटा प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में फालाकाटा हाई स्कूल के प्रांगण में ड्राइंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। अलीपुर द्वार के दक्षिण खैरबाड़ी इलाके में तेंदुए के हमले में 10वीं कक्षा का एक छात्र घायल। स्थानीय लोग दहशत में। माध्यमिक परीक्षा में जटेश्वर गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा पोलमी सरकार ने 639 अंक हासिल कर परिवार का बढ़ाया मान। पोलमी का सपना डॉक्टर बनने का है। आर्थिक अभाव से जूझ रहे परिवार को चिंता कि बेटी का सपना कैसे पूरा होगा। अलीपुरद्वार नगर पालिका के कलजानी नदी इलाका और प्रमोद नगर इलाके में जुए और शराब की अड्डे पर अलीपुरद्वार महकमा शासक विप्लव सरकार ने चलाया अभियान। खुद हाथों में लाठी लेकर मैदान में उतरे। सड़क विस्तार के परिणाम स्वरूप हाथ व्यवसायियों को होगा नुकसान। पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर अलीपुर द्वार के शिलबारी हाथ व्यवसायी समिति के सदस्यों ने रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।